हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनजीत सिंह और आज मैं आप लोग के लिए इस वीडियो में ड्राइंग का लेक्चर लेके आया हूं सिंपली सपोर्टेड बीम का। तो क्वेश्चन मैंने पहले से इसमें लिख दिया हुआ है, देखिए क्या है क्वेश्चन। ड्रा द क्रॉस सेक्शन एंड एलिवेशन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। यहाँ पर आपको सिंपली सपोर्टेड बीम का क्रॉस सेक्शन बनाना है और उसका एलिवेशन बनाना है। क्रॉस सेक्शन का मतलब ये होता है कि उस सिंपली सपोर्टेड बीम को उसका जो क्रॉस सेक्शन है यानी लॉन्गिट्यूडिनल के परपेंडिकुलर उसको क्रॉस कीजिए, उसके काटिए आप, जो आपको साइड व्यू से दिखाई देता है उसी को क्रॉस सेक्शन बोलते हैं और उसी का व्यू हमें बनाना है। जैसे मान लीजिए आपका बीम है ये, अब इसे किसी एक एक्सिस पे कहीं भी इसको आप इसको काट देंगे और साइड से देखने पर आपको क्या दिखाई देगा, तो ये जो व्यू होगा उसे बोलेंगे क्रॉस सेक्शन, और जो आप फ्रंट व्यू से सामने से देखेंगे उसे बोलेंगे एलिवेशन। तो यहाँ पर हमें बीम में दो व्यू बनाना है, कौन कौन सा? एक तो साइड से देखने पे आपको कैसे दिखाई देगा, एंड सेकंड जो आप सामने से देखेंगे फ्रंट व्यू से देखेंगे वहाँ से जो व्यू आपको दिखाई देगा उसे बोलते हैं एलिवेशन। ये आपको बनाना है। इसके लिए डेटा आपको क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है? साइज ऑफ बीम 300 mm × 650 mm। जो बीम का साइज है वो 300 mm × 650 mm है, यानी कि 300 mm बीम का ब्रिथ दिया गया है और 650 mm बीम का डेप्थ दिया गया है। जो वैल्यू कम होता है वो ब्रिथ होता है और जो वैल्यू ज़्यादा होता है उसे डेप्थ कहते हैं। कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकता है कि साइज ऑफ बीम 650 × 300 mm, यानी 650 पहले लिख सकता है और 300 बाद में लिख लेगा, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि जो पहले लिखा होता है वो उसका ब्रिथ होता है और दूसरा वाला डेप्थ होता है। ऐसा नहीं है, डेप्थ को पहले भी लिखा जा सकता है और ब्रिथ को बाद में लिखा जा सकता है। तो जो वैल्यू कम होगा वो ब्रिथ होगा, जो वैल्यू ज़्यादा होगा वो डेप्थ होगा। क्लियर स्पैन 4 मीटर, यानी यहाँ पर जो बीम की लंबाई दी गई है वो 4 मीटर दिया गया है। क्लियर स्पैन और इफेक्टिव स्पैन दो अलग अलग शब्द हैं, इनको आप पहले जानिए। क्लियर स्पान का मतलब होता है कि सपोर्ट के अंदर से अंदर इन जो लेंथ होता है, सपोर्ट के अंदर से अंदर का जो लेंथ होता है उसे क्लियर स्पान बोलते हैं, और सपोर्ट के मिड पॉइंट से, दोनों सपोर्ट के मिड पॉइंट से जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है उसे इफेक्टिव स्पान बोलते हैं। मेन बार दिया गया है, यहाँ पे देखो तीन टाइप के बार यूज किए जाएंगे, तीनों टाइप के बार क्वेश्चन में दिया गया है। अगर नहीं दिया जाता है तो आप अपने से मेन बार, एंकर बार और बेंट अप बार, तीनों बार को आप अपने से एज्यूम कर लेंगे वहाँ पर। अगर रेनफोर्समेंट के बारे में ड्राइंग में क्वेश्चन में नहीं दिया जाता है तो इसे आप हमेशा अपने से एज्यूम कर लेंगे। यहाँ पर देखिए दिया गया है मेन बार 4 नंबर 16 mm डाया, यानी 16 mm डाया के 4 नंबर्स बार यहाँ पर यूज किया गया है मेन बार। एंकर बार 2 नंबर यानी 2 बार यूज किया गया है 12 mm डाया का, एंड बेंटअप बार 2 नंबर यूज किया गया है 16 mm डाया का। ठीक है, तो ये है आपका, ये तीनों बार यहाँ पर स्टीरअप्स नहीं लिखा हुआ है तो स्टीरअप्स हम लोग लिख लेते हैं। स्टीरअप्स दिया गया है 8 mm डाया एट द रेट ऑफ 300 mm सेंटर टू सेंटर, ये क्वेश्चन में दिया गया। अगर नहीं दिया जाता है तो आप अपने से कोई ना कोई डाया का और नंबर ऑफ बार अपने से आप वहाँ पे एज्यूम कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम कितना है। सबसे पहले क्या हम निकालेंगे? इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम का डेफिनेशन क्या होता है, कैसे निकालते हैं? इफेक्टिव लेंथ या इफेक्टिव स्पान बोलिए, इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू होता है क्लियर लेंथ प्लस विथ ऑफ सपोर्ट। विथ ऑफ सपोर्ट, जिस सपोर्ट पे बीम को रखा गया है उसका विथ लेके चलेंगे। तो यहां पे सपोर्ट का ब्रिथ नहीं दिया गया है, सपोर्ट पे रखा हुआ है वो ब्रिथ उसका नहीं दिया गया है, आप अपने से मान लेंगे 300 mm, आप अपने से मान लिया करो, क्योंकि ये बीम किसी न किसी वॉल पे रखा हुआ है और वॉल का जो स्टैंडर्ड थिकनेस होता है वो 30 cm या 300 mm होता है, तो इसे आप अपने से मान लेंगे। ठीक है, तो विथ, ये फॉर्मूला मैंने कैसे बनाया? मैंने आपको बताया कि इफेक्टिव लेंथ का
कैसे निकालते हैं कि जो सपोर्ट होता है उसके मिड पॉइंट से, दोनों सपोर्ट के मिड पॉइंट से बीच का डिस्टेंस होता है। तो जब एक सपोर्ट के मिड पॉइंट पे जाओगे तो हाफ विथ ऑफ सपोर्ट मिलेगा, और दूसरी तरफ जब जाएंगे तो वहां भी हाफ विथ ऑफ सपोर्ट मिलेगा। तो हाफ विथ ऑफ सपोर्ट प्लस हाफ विथ ऑफ सपोर्ट क्या हो जाएगा, विथ ऑफ सपोर्ट हो जाएगा। यानी आधा सपोर्ट का डिस्टेंस एक तरफ है और आधा दूसरी तरफ है, तो मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल विथ ऑफ सपोर्ट हो जाएगा। उसमें क्लियर लेंथ को हम प्लस कर देंगे तो इफेक्टिव लेंथ आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लियर लेंथ क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 4 मीटर प्लस विथ ऑफ सपोर्ट नहीं दिया गया है, कितना मानेंगे 300 mm, तो उसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.3 मीटर होता है, तो ये हो जाएगा 4.3 मीटर। इफेक्टिव लेंथ आपका कितना हो गया, 4.3 मीटर। अब आप क्या काम करेंगे कि स्केल लेंगे, और स्केल के लिए मैंने आपको कल भी बताया हुआ था इससे पहले वाले लेक्चर में कि आप स्केल को कुछ भी मान सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपके पास ड्राइंग शीट का एरिया कितना है और कितने एरिया में आप बनाना चाहते हैं। चलिए हम लोग स्केल ले लेते हैं। एक 30 का स्केल ले लेते हैं, ठीक है, जो भी आप स्केल लेंगे लिख देंगे, नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन गलत माना जाएगा। 130 का मैंने स्केल ले लिया, तो 4.3 मीटर को स्केल में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले इसे सेंटीमीटर में बनाएंगे, 4.3 × 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, यानी 430 सेंटीमीटर हो गया। तो 430 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 14.33 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे कि 14.33 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचेंगे। ये हो गया। अब इस बीम का डेप्थ देखिए कितना दिया गया है, 650 mm। देखिए जब बीम को आप सामने से देखेंगे, फ्रंट व्यू से देखेंगे तो क्या दिखेगा, ये बीम है मान लीजिए, बीम का टोटल लेंथ दिखेगा और बीम का डेप्थ दिखेगा। तो यहाँ जो एलिवेशन में हम बनाएंगे वो बीम का टोटल लंबाई दिखाएंगे और उसका डेप्थ दिखाएंगे, उसका ब्रेथ नहीं दिखेगा, बीम का ब्रेथ फ्रंट व्यू में नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर हमें इस ब्रेथ का कोई यूज नहीं होगा, केवल यहाँ हमें टोटल लेंथ ले लेना होगा 4.3 मीटर और ये है 650 mm उसका डेप्थ। तो 650 mm को स्केल में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 65 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 30, तो 2.16 हो जाएगा। ये इसका जो भी लेंथ आया हुआ है उसे आप दिखा देंगे, यह है 4.3 मीटर और इसका डेप्थ कितना है, 650 है। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है कि ये जिस सपोर्ट पे रखा हुआ है वो सपोर्ट बनाना है। तो सपोर्ट का ब्रिथ मैंने आपको बताया कितना लेके चलेंगे, 0.3 मीटर, विथ ऑफ सपोर्ट कितना माने, 0.3 मीटर। इसको स्केल में चेंज करेंगे तो 30 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 30 करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आएगा, यानी विथ ऑफ सपोर्ट कितना आ गया आपका, 1 सेंटीमीटर। स्केल में चेंज करने के बाद आपका आ गया ये 1 सेंटीमीटर, और ये जो 1 सेंटीमीटर है आपका, ये जो 1 सेंटीमीटर आया हुआ है आपका, ये इस ये जो बीम है उस सपोर्ट के मिड पॉइंट तक रखा हुआ है। कहां पे रखा हुआ है,
उसके मिड पॉइंट तक रखा हुआ है। तो मिड पॉइंट आपका हो जाएगा, अब क्या काम करेंगे कि मिड पॉइंट से अब एक सेंटीमीटर ब्रिथ का हमें बनाना है, तो एक सेंटीमीटर का हाफ ले लेंगे 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 यहां आ जाएगा, इसको ऐसे लाइन खींच लेंगे और यहीं से 0.5 इधर ले लेंगे, ये हो गया। बात समझ में आई आपको? फिर से समझेंगे आप, ये है आपका टोटल 0.3 मीटर, और 0.3 मीटर को जब मैंने स्केल में चेंज किया तो ये आ गया एक सेंटीमीटर। जब एक सेंटीमीटर आ गया तो ये एक सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर ये है और आधा सेंटीमीटर ये है, तो हम कैसे बनाएंगे, यहाँ से आधा सेंटीमीटर इधर जाएंगे, ये लाइन खींच लेंगे, उसके बाद यहीं से आधा सेंटीमीटर इधर आएंगे तो ये वाली लाइन खींच लेंगे, और सपोर्ट का जो सिंबल होता है इस प्रकार से हम उसे बना देंगे। सेम इस तरफ करेंगे, यहाँ भी वैसे ही करेंगे। देखिए यहाँ से आधा सेंटीमीटर इधर जाएंगे, और यहाँ से आधा सेंटीमीटर इधर आएंगे, अगर इधर आपने हैचिंग इस डायरेक्शन में किया हुआ है तो इस तरफ आप ऐसे कर दीजिए। ये 45 एंगल पे हैचिंग करेंगे आप, ये ब्रिक मैसनरी का सिंबल है, और ध्यान देंगे कि सेम डिस्टेंस पे करेंगे, इससे क्या है कि ड्राइंग अच्छी लगती है। ये जो स्पेसिंग आप लिए हैं बिल्कुल सेम लेंगे, कुछ भी स्पेसिंग ले लेंगे, उसको याद करने कोई आवश्यकता नहीं है। ये भी हो गया 0.3 मीटर, इस प्रकार बीम आपका कंप्लीट हो गया। बीम का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर तैयार हो गया, अब हमें क्या करना है, अब केवल हमें मेन बार, एंकर बार, स्टीरअप्स, बेंटअप बार, इन्हें प्रोवाइड करना है, केवल रेनफोर्समेंट हमें प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो नीचे जो मेन जो बार डालते हैं उसे क्या बोलते हैं, मेन बार, और ऊपर क्या होता है, एंकर बार होता है, ये हम सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर कवर नहीं दिया गया है, जब क्वेश्चन में कवर न दिया जाए तो आप अपने से कुछ न कुछ एज्यूम कर लिया करो, ठीक है। तो वैसे मैं एक बात बता दूं आपको कि कवर कितना लेके चलना चाहिए बीम के लिए, यहाँ जो बीम पे जो मेन बार का कवर है या कंप्रेशन बार का जो कवर हो, चाहे वो टेंशन बार का कवर हो और चाहे वो मेन बार का कवर हो, कवर कितना लेके चलना चाहिए, कवर हमेशा होना चाहिए आपका 25 mm या डाया ऑफ मेन बार, इन दोनों में जो सबसे ज्यादा हो वो वैल्यू लेके चलना चाहिए, ग्रेटर वैल्यू। और ये जो आपका कवर है इससे कम नहीं होना चाहिए, कवर इज नॉट लेस देन 25 mm और डाया ऑफ मेन बार विच इज ग्रेटर वैल्यू। तो यहां पे ये जो कवर है आपका 25 mm और डाया ऑफ मेन बार, इन दोनों में जो सबसे ज्यादा है उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। और अगर एंड कवर की बात करें, इधर जो मेन बार आएंगे, इधर जो एंड कवर है उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, एंड कवर इज नॉट लेस देन 25 mm और 2 × डाया ऑफ मेन बार, इनमें जो सबसे ज्यादा वैल्यू है उसे ले लेंगे, विच एवर इज ग्रेटर वैल्यू, इससे कम नहीं होना चाहिए। ये दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपिटेटिव एग्जाम क्वेश्चंस के लिए, चाहे वो जेई का एग्जाम हो चाहे वो एई का एग्जाम है, तो ये दोनों चीज को आप यहाँ याद रखेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ का जो नीचे का कवर है वो कितना लेके चलेंगे हम, 25 mm या डाया ऑफ मेन बार, तो डाया ऑफ मेन बार 16 mm है, तो 16 mm और 25 mm में सबसे ज़्यादा क्या है, 25 mm, तो 25 mm ही लेके चलेंगे हम। तो 25 mm को स्केल में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 / 30
0.83 आ जाएगा, यानी 8mm आ जाएगा आपका ये। तो ये कवर हम ले लेंगे यहाँ से। और वैसे कभी कभी क्या होता है कि वैल्यू बहुत ज़्यादा कम आता है, तो आप अपने से अब ड्राइंग में बनाते समय 1mm या 1.5mm अपने से ले लेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मिनिमम वैल्यू आ जाता है कि हम उसे पेंसिल ड्राइंग पे पेंसिल से नहीं बना सकते हैं, तो आप अपने से 1-2mm वहाँ पर ले लिया करो। लेकिन जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप निकालेंगे उसे। जीरो पॉइंट एट एम एम है, 8mm है ये, सॉरी 0.8mm है ये, यानी 1mm से भी कम है ये। तो लगभग आप 0.8mm तो बना नहीं पाएंगे, तो कम से कम आप जो है उसे 1mm तो लेके ही चलेंगे। यहाँ पे लास्ट में हुक जो बनाना है वो आप किसी भी 90 एंगल पे भी बना सकते हैं, 180 एंगल पे भी बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा है आप कैसे बनाना चाहते हैं। यहाँ पे हल्का सा राउंड कर दिया करो आप हमेशा किनारे पे, कभी भी रेक्टेंगल जैसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे राउंड होना चाहिए। ये हो गया मेन बार, इसका नाम लिख लेंगे आप, मेन बार फोर नंबर्स 16mm डाया। इसी प्रकार एंकर बार बनाएंगे आप यहां पे, ये हो गया एंकर बार। ट्वेल्व एम एम डाया दिया गया है, टू नंबर्स, ठीक है। तो ये दोनों बार आपका हो गया। अब हमें बनाना है स्टीरप्स, स्टीरप्स 8mm डाया का 300mm सेंटर टू सेंटर यूज किया गया है। तो इस 300mm की दूरी पे जो स्टीरप्स डाला गया है, पहले आप उसे स्केल में चेंज करेंगे। तो 300mm का मतलब होता है 30 सेंटीमीटर, इसे आप सेंटीमीटर में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 30, 30 का स्केल लिए तो 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपको स्टीरप्स प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं इसे। इसे आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एक एक सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये स्टीरप्स आप प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है, इनका भी नाम लिख लीजिए, स्टीरप्स 8mm डाया एट द रेट ऑफ 300mm सेंटर टू सेंटर। इस बार को सीयर रेनफोर्समेंट बार भी बोलते हैं, क्योंकि ये सीयर लोड को रजिस्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर बेंटअप बार और यूज किया गया है, ध्यान दीजिए बेंटअप बार के लिए अलग से 2 नंबर 16mm डाया का नहीं डाला गया है, जो आपका मेन बार है उसी से बेंटअप बार बनाया जाता है। यहाँ जो नीचे मेन बार यूज किया गया है, इसी बार में से ही 2 बार क्या किया गया है, बेंट कर दिया गया है। और मैंने आरसीसी के बीम वाले चैप्टर में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है, वहाँ पर सीयर एनफोर्समेंट के डिज़ाइन में भी बताया है मैंने आपको कि बेंटअप बार क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो अगर इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी लेना है तो आप आरसीसी का सीयर एनफोर्समेंट का जो लेक्चर है आप उसे देख लेंगे, वहाँ पे मैंने एलएसएम मेथड से भी किया हुआ है और डब्ल्यूएसएम मेथड से भी किया है, और काफ़ी डिटेल में वहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो करना क्या आपको,
अब यहाँ पर हमें ये नहीं बताना है उसका थ्योरी, यहाँ पे हम कोई डिस्कस नहीं करेंगे, वो आरसीसी में हो जाएगा आपका। तो बेंट अप बार कैसे करेंगे, ये जो आपका चार मेन बार यूज किया गया है, दो मेन बार अल्टरनेट 45 एंगल पे एल बाई सेवन के डिस्टेंस पे बेंट कर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए स्मॉल एल का वैल्यू कैसे है, कितना है 4.3 मीटर। कैसे निकालेंगे, एल बाई टेन करेंगे आप, यानी 430 सेंटीमीटर हो गया, डिवाइड बाई टेन करेंगे, हमेशा एल बाई टेन के डिस्टेंस पे उसे हम बेंट करते हैं, तो 43 आ गया। इसको स्केल में चेंज करेंगे, डिवाइड बाई 30, तो 1.43 आ गया। ये फिर से समझिए आप, स्मॉल एल का वैल्यू कितना है 4.3 मीटर, हम कितने डिस्टेंस पे बेंट करेंगे इसे, इसे एल बाई टेन का डिस्टेंस हम निकालते हैं 4.3 बाई 10, तो ये हो जाएगा 0.43 मीटर। तो आप इसे कह सकते हैं 4.3, ये आपका मीटर में हो गया 0.43। अब इसी को स्केल में चेंज कर लेंगे आप, तो कितना हो जाएगा 0.43 इंटू 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 43 सेंटीमीटर हो जाएगा, डिवाइड बाई 30 करेंगे तो 1.43 आ जाएगा। तो 1.43 के डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कहाँ से लेंगे ये देखना है आपको, वो डिस्टेंस आपको यहाँ से लेना है सपोर्ट के मिड पॉइंट से, या केवल आप यहाँ L बाई 10 शो कर दिया करो, L बाई 10 इधर से भी और L बाई 10 यहाँ से भी। फिर से समझिए L बाई 10 कैसे निकालेंगे, स्मॉल L का वैल्यू कितना है 4.3 मीटर है, इसमें 10 से डिवाइड कर दीजिए, 10 से डिवाइड करने के बाद आप उसे स्केल में चेंज कर लीजिए, जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आप यहाँ से मेजरमेंट कर लेंगे उसे, और ये जो मेन बार है इसे 45 एंगल पे बेंट करना है आपको। इधर भी और इधर भी, तो इसका नाम लिख देंगे आप, ये है बेंट अप बार टू नंबर्स 16 mm डाला। इस प्रकार आपका जो एलिवेशन है वो कंप्लीट हो गया। देखिए इफेक्टिव लेंथ कहां से कहां तक है, यहां से लेके यहां तक इफेक्टिव लेंथ है, क्लियर लेंथ कहां से कहां तक है, ये है आपका क्लियर लेंथ सपोर्ट के मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है, कितना दिया गया है 4 मीटर। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो आपका मेन बार है ये सपोर्ट के अंदर कितने डिस्टेंस तक जाना चाहिए। मैंने देखा है अक्सर एग्जामों में ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम में, चाहे वो मेन बार हो यानी टेंशन बार हो या कंप्रेशन बार हो, वो यहाँ पर सपोर्ट के अंदर कितना डिस्टेंस तक, कितने डिस्टेंस तक वहाँ पर अंदर उसे डालते हैं, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, LD क्या है, लेंथ ऑफ डेवलपमेंट। तो LD बाई 3 के डिस्टेंस तक ये मेन बार हम अंदर सपोर्ट के अंदर डालते हैं, ये वैल्यू हमारा हो जाता है LD बाई 3 कैपिटल L, LD बाई 3 तक ये डिस्टेंस आपका होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि 100% मेन बार कहाँ यूज करते हैं, तो बीम के बीच में 100% मेन बार यूज करते हैं और L by 10 के डिस्टेंस पे 50% यूज करते हैं, क्योंकि 50% क्या होता है, बेंट अप बार के रूप में प्रोवाइड कर देते हैं उसे, तो अल्टरनेट बार हम बेंट अप कर देते हैं, तो यहाँ पे सपोर्ट के अंदर कितना बार जाता है, केवल 50% ही जाता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, चार मेन बार दिया गया था तो दो मेन बार को बेंट कर दिया गया, तो केवल दो बचा, दो अंदर तक गया हुआ है, बाकी दो मेन बार बेंट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एलिवेशन, यहाँ पर आपका एलिवेशन कंप्लीट होता है। अब हम बनाएंगे क्रॉस सेक्शन आपका, क्रॉस सेक्शन बहुत ही सिंपल है, कैसे बनाएंगे क्रॉस सेक्शन के लिए, साइज ऑफ बीम कितना है 300 mm इंटू 650 mm, तो जहां का क्रॉस सेक्शन आप बना रहे हो
वहां का सेक्शन लाइन आप यहां पे शो करेंगे, कहीं ना कहीं शो कर देंगे, वैसे आप बीच में शो कर दीजिए कि यहां का हम क्रॉस सेक्शन लाइन बना रहे हैं एक्स एक्सिस, यानी यहां से इस एक्सिस से इस बीम को काट दिया गया है। और साइड व्यू से आप देखेंगे कि इस सेक्शन लाइन पे आपको कैसा व्यू दिखेगा, वो व्यू हम यहां बगल में बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, 300 बाई 650 mm का है तो 300 mm को स्केल में चेंज करेंगे तो 1 cm आएगा। और हमेशा इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा बीम का, वो कभी आप नीचे या ऊपर नहीं बनाएंगे, हमेशा बीम के साइड में बनाएंगे, जस्ट आप इसके बगल में बनाएंगे यहाँ पे। ये हो गया 300 mm और ये हो गया 650 mm। ठीक है, ये है आपका 300 mm, और ये है 650 mm। अब नीचे नंबर ऑफ मेन बार कितने प्रोवाइड किया गया है, 4। ऊपर एंकर बार कितना प्रोवाइड किया गया है, 2। और उसके चारों तरफ क्या है, स्टीरप्स। तो पहले स्टीरप्स आप बनाएंगे। कवर कितना लिया आपने, 25 mm, 25 mm का कवर देते हुए हमेशा कॉर्नर पे राउंड कर देंगे, रेक्टेंगल शेप में नहीं होना चाहिए। तो एक आपका मेन बार यहां पे है, हमेशा इस स्टीरप्स के टच में होना चाहिए, इससे दूर नहीं होना चाहिए, न इसको होल करके जाना चाहिए। अपने साथ डिस्टेंस ले लेंगे चारों का, सेम डिस्टेंस पे 4 मेन बार नीचे प्रोवाइड करेंगे। ऊपर 2 एंकर बार है, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, इनके नाम लिख लेते हैं। मेन बार 16 mm डाया, फोर नंबर यहां पे है, एंकर बार 2 numbers 12 mm डाया। यह स्टीरप्स, स्टीरप्स के बारे में लिख देंगे, 8 mm डाया एट द रेट ऑफ 300 mm सेंटर टू सेंटर। तो इस प्रकार आपका ये सेक्शन यानी क्रॉस सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि दो क्रॉस सेक्शन पूछता है, एक तो पूछता है बीम के मिड पॉइंट पे, ये मिड पॉइंट पे जहां पर मेन बार 100% यूज किया गया है, 100% यूज किया गया है, इसलिए हम यहाँ का बना दिए, यहाँ का पूछ लिया गया है। सपोर्ट के पास में भी पूछ लेता है कि उसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा, तो सपोर्ट के पास में यानी यहाँ पर जो कि 50% यूज किया गया है मेन बार, यहाँ का क्रॉस सेक्शन भी पूछ लेता है क्वेश्चन में। तो एक एक्सिस यहाँ पर आप ले लीजिए, ये वाई एक्सिस मान लो, और इसका क्रॉस सेक्शन आप बगल में बना लीजिए, बिल्कुल सेम बनाएंगे जैसा बना हुआ, बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। डिफरेंट क्या होगा, ये स्टीरप्स हो गया, अब देखिए नीचे आपका 4 मेन बार था, अब नीचे 2 मेन बार हो गया, क्यों, क्योंकि 2 मेन बार जो है वो हमने 45 एंगल पे उसे बेंट कर दिया, तो वो ऊपर दिखाई देगा, तो ऊपर 4 मेन बार हो गया। अब 1 2 3 4, जब ये 2 मेन बार ऊपर हमने बेंट कर दिया तो ऊपर 2 एंकर बार पहले से था और 2 मेन बार भी ऊपर पहुंच गया, तो इसलिए क्या है कि वहां पर ऊपर कितने आपको दिखाई देगा, 4 दिखाई देगा वहां पर, तो ये 4 हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, एक छोटी सी जानकारी मैं आपको और बता दूँ कि कभी भी अगर मान लीजिए मेन बार नीचे प्रोवाइड करते हैं आप, कुछ मैं क्वेश्चंस आपको अच्छे जानकारी के लिए बता रहा हूँ, अगर आप HYSD बार यूज करते हैं तो HYSD बार के लिए यहाँ बेंट नहीं करेंगे आप, यहाँ पर जो मैंने
हुक बनाया हुआ है, हुक दिया हुआ है, हुक कभी भी एच वाई एस डी बार या डिफॉर्म्ड बार में यूज नहीं करते हैं, वो केवल माइल्ड स्टील में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो नीचे मेन बार प्रोवाइड करते हैं आप, जो नीचे मेन बार प्रोवाइड करते हैं उसका जो मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है वो कितना होना चाहिए? ये जो मेन बार आपने यूज किया गया है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, डाया ऑफ मेन बार या साइज ऑफ एग्रीगेट प्लस 5 mm, इन दोनों में जो सबसे ग्रेट वैल्यू होता है वो होता है मिनिमम स्पेसिंग ऑफ मेन बार। मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होता है कितना होता है इसका, फिर से समझिए, डाया ऑफ मेन बार या और साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट प्लस 5 mm, इन दोनों में जो सबसे मैक्सिमम होता है वो वैल्यू होता है। अगर हम बात करें कि किसी भी बीम में वर्टिकल डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि जब हम मेन बार ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं तो वर्टिकल डिस्टेंस पे भी डालते हैं, तो उसका मिनिमम स्पेसिंग क्या होना चाहिए? उसका मिनिमम स्पेसिंग होना चाहिए डाया ऑफ मेन बार या 15 mm, इन दोनों में जो सबसे मैक्सिमम होता है वो वैल्यू हम लेकर के चलते हैं। अगर हम बात करें कि इनका मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम डिस्टेंस मैं आपको बता दूं, अगर FE 250 यूज किया गया है, अगर FE 250 यूज किया गया है तो मैक्सिमम स्पेसिंग होना चाहिए 300 mm, अगर FE 415 यूज किया गया है तो 180 mm, FE 500 ग्रेड यूज किया गया है तो 150 mm। तो ये छोटे मोटे जानकारी है, वैसे मैं इसको जो है डिटेल में RCC में बताऊंगा आगे। तो ये रहा आपका कंप्लीट आज, ठीक है, फिर मैं मिलूंगा अगले लेक्चर में, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कैंटिलीवर बीम को कैसे हम बनाएंगे RCC बीम में।